आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिवाली पर्व को देखते हुए मंगलवार को नगर निगम में 223 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं का किया जाएगा लोकार्पण व शिलान्यास। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। जिलाधिकारी कृष्णाकर उनेश ने मंगलवार को आयोजित मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दृष्टिगत नगर निगम के परिसर में स्थित कार्यालय स्थल का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेश एयर विकास विभाग लखनऊ द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विषयों पर आयोजित टाउन हॉल बैठक रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बालू के चप्पा की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संचारी रोग को देखते हुए नगर निगम पूरी तरह से है अलर्ट। नालियों में मेलाथियन व एंटी लार्वा दवा का करवाया जा रहा है छिड़काव। 45 टीमों की लगाई गई है ड्यूटी। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। लूट करने वाले गैंग के चार अभियुक्तों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया। पंजीकृत की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। दिवाली में महानगर में 12 स्थानों पर लगाया जाएगा 400 पटाखों की दुकान। फायर विभाग के नियमों का करना होगा पालन। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने दी जानकारी। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो अवैध गांजा, एक मोटरसाइकिल, गांजे की बिक्री से प्राप्त 20,000 रुपया किया बरामद। भेजा जेल। महानगर में घूम रहे आवारा पशु को नगर निगम के द्वारा पकड़कर पहुंचाया जा रहा है कान्हा उपवन। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए लगाई गई हैं कई गाड़ियां। कान्हा उपवन में आवारा पशुओं की जा रही है देखभाल। चोरी व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के चार सदस्यों के ऊपर चुलाताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया पंजीकृत। सीओ कैंपियरगंज ने दी जानकारी। और जनपद में नदियों के जलस्तर में हो रही है कमी। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा राप्ती व सरयू नदी के जलस्तर में हुई है गिरावट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी तक 20,000 से ज्यादा राशन पैकेट का हो चुका है वितरण।